दोस्तों, अगर हमें क्योंकि इंग्लिश में बोलना है तो हम चार वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर, फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, एज का मतलब भी क्योंकि होता है, बिकॉज का मतलब भी क्योंकि होता है, एंड सिंस का मतलब भी क्योंकि होता है। बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिकॉज का यूज़ केवल वाक्य के बीच में होता है एंड सिंस का यूज़ केवल वाक्य की शुरुआत में होता है, और एज और फॉर का यूज़ हम वाक्य की शुरुआत में भी कर सकते हैं और वाक्य के बीच में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, अब मैं इस सेंटेंस को बनाऊँगा सिंस का यूज़ करके, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, सिंस आई वॉज अनवेल हैंस आई डिडेंट कम। अब यही सेंटेंस को मैं एज का यूज करके बना सकता हूँ, एज आई वॉज अनवेल हैंस आई डिडेंट कम। इसी सेंटेंस को मैं फोर का यूज करके भी बना सकता हूँ, फोर आई वॉज अनवेल Hence, I didn't come. अब बात करते हैं because का यूज करके। मैंने बताया कि because का यूज केवल वाक्य के बीच में होता है। मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया, I didn't come because I was unwell. अगर हमें for का यूज करना है middle में, तो for का यूज करने से पहले हमें बीच में कोमा लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था, आई डिडंट कम फॉर आई वॉज अनवेल।